फटाफट खबरों की करिए शुरुआत। राज्य नायब मुख्यमंत्री वैक्सीन बीजो डोज लीधो। वैक्सीन की स्थिति अंगे नीतिन पटेले कहू राज्य सरकार वैक्सीन वधु जत्थो मळे ते माटे प्रयत्नशील। गुजरात सरकार आरोग्य विभाग पास 13 लाख वैक्सीन जत्थो उपलब्ध है। आज सांज सुधी में वधु 6 लाख नागरिकों ने रसी अपाशे। जो कोरोना सामेनी वैक्सीन नहीं लो तो दंडाशो। वैक्सीन न लेवा मांगता लोगों ने नायब मुख्यमंत्री आपी चेतवनी। कहू कि जो वैक्सीन नहीं ले तो कड़काई थी निर्णय लेशु। बधा लोगों वैक्सीन लेवी खूब जरूरी। राजकोट में जल संकट उभू थवानी शक्यता। आजी डेम वन में 5 થી 7 दिवस चले एटलू ज पाणी। न्यारी एक डेम में ऑक्टोबर सुधी चले एटलू पाणी। ज्यारे भादर एक डेम में नवेम्बर मास सुधी चले एटलू पाणीनो जत्थो। केन्द्र सरकार नवनियुक्त मंत्रियों की देशभर में जन आशीर्वाद यात्रा। अमदावाद में महेन्द्र मुंजपरा, वडोदरा में दर्शनाबेन जरदोष और बनासकांठा में देवसिंह चौहान साथ गुजरात सरकार मंत्री जोड़ाया। भाजपनी जन आशीर्वाद यात्रा अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री देवसिंह चौहान गुजरात में पालनपुर डीसा थी पाटण सुधी जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा रूट में आता गामों में नागरिकों से करते मुलाकात। केन्द्रीय मंत्री देवसिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ कर। देवसिंह चौहान मां अंबा दर्शन कर प्रार्थना साथ यात्रा की शुरूआत करी। रतनपुर प्राथमिक आरोग्य केन्द्र में रसीकरण केन्द्र की मुलाकात लीधी। दूध उत्पादन की जेम खेती में बनासकांठा अग्रेसर बन। जन आशीर्वाद यात्रा दरमियान देवसिंह चौहान आप निवेदन। कहू एक समय आ जिल्लो उज्जड़ हो परंतु प्रधानमंत्री मोदी जयरे मुख्यमंत्री था त्यारना प्रयास से अं पा पहुंचू। केन्द्रीय महिला और बाल विकास राज्यमंत्री महेन्द्र मुंजपरा अमदावाद में। महेन्द्र मुंजपराए मां पत्रकारी दर्शन कर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरूआत करी। यात्रा रूट पर आयोजित विविध कार्यक्रम में आपसे हाजरी। अनेक जगह स्वागत सत्कार कार्यक्रम। जन आशीर्वाद यात्रा दरमियान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री दर्शना जरदोष महत्व निवेदन। कहू कि आवा प्रकार प्रोजेक्ट मे केन्द्र सरकार की साथ राज्य सरकार सहयोग महत्व। राज्य सरकार सारी रीते सहयोग आपसे तो योजना सारी रीते पूरी थशे। भाजप सरकारे कोरोना काल में गुजरात लोगों ने भगवान भरोसे मुक्या छे। भाजपनी जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश प्रमुख भाजप पर प्रहार। कहू सरकार त्रीजी लहर की तैयारी करने बदले उत्सव करे छे। जूनागढ़ विसावदर धारासभ्य हर्षद रिबड़िया काल की सरकार सामे करशे आंदोलन। तावती वावाजोड़ा थी थयेला नुकसानी नु वर्तन न मळता सरकार सामे चढ़ावशे बायो। कार्यकरो ने आंदोलन में जोड़वा कर्यु आह्वान। मेहसणा में 19 ऑगस्टे योजाशे जन आशीर्वाद यात्रा। ऊंचा विसनगर मेहसणा ने बहुचराची में करशे जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा दरमियान सामाजिक सम्मेलनों अने स्वागत कार्यक्रम पण योजाशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज टोक्यो ओलिम्पिक खिलाड़ियों सम्मान कर्यु। पीएम मोदी दिल्ली में स्थित पोतना आवास पर टोक्यो ओलिम्पिक्स खिलाड़ियों सम्मान कर्यु। टोक्यो ओलिम्पिक्स में देश नु प्रतिनिधित्व करनार तमाम खिलाड़ी उपस्थित रहा। पेगासस जासूसी मामला की तपास हवे एक कमिटी करशे। केन्द्र सरकारे सुप्रीम कोर्ट में अंगे माहिती आपी। सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकारे पेगासस थी जासूसी आरोप लगाव्यो। सुप्रीम कोर्ट तरफ थी 2 पानानी एफिडेविट दाखिल करवामां आवी। जे मुजब सरकार विशेषज्ञों की एक कमिटी बनावशे अने तपास करशे। सुष्मिता देवनु कांग्रेस माथी राजीनामु। पहला तेमणे पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप छोड्यू। त्यारबाद ट्विटर में पोताने कांग्रेस पूर्व नेता गणाव्या। तेमणे पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पोतानु राजीनामु सौंप्यु छे। सुष्मिता देव लांबा समय थी पार्टी थी नाराज चली रही थी। पश्चिम बंगाल में आज खेला होबे दिवस की उजवणी करवामां आवी रही छे। आज दिवसे टीएमसीए 4 किलोमीटर लांबी साइकल रेस आयोजन कर्यु। आ रेस में 400 विद्यार्थी भाग लीधो। सीएम ममताए गत महीने दर वर्षनी 16 ऑगस्ट खेला होबे दिवस की उजवणी की घोषणा करी थी। आज स्व अटल बिहारी वाजपेयी की त्रीजी पुण्यतिथि। त्यारे सदैव अटल स्मारक खाते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रद्धांजलि आपी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाए पण श्रद्धांजलि आपी। आज पारसी नव वर्ष छे त्यारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे नवरोज निमित्ते देशवासियों ने शुभकामनाओ आपी अने कह्यु कि आ समुदाय लोकोए देशना समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान आप्यु छे। पारसी नव वर्ष तमामना जीवन में एकता समृद्धि अने खुशी लावे तेनी राष्ट्रपति कोविंदे प्रार्थना करी।
મેઘાલયના મુખ્યમંત્રી કોનરાડ કે સંગમાના આવાસ પર અજ્ઞાત શખ્સોએ પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકી હુમલો કર્યો. જિલ્લાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થઈ નથી. આસપાસના વિસ્તારોમાં તોડફોડ બાદ રાજ્ય સરકારે શિલોંગમાં કરફ્યુ લાગુ કર્યો, તેમજ ચાર જિલ્લામાં ઇન્ટરનેટ સેવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. પશ્ચિમ બંગાળના નવા જલપાઈગુડી રેલવે સ્ટેશન પાસે પોલીસને એક દેશી બોમ્બ મળી આપ્યો. જોકે પોલીસે બોમ્બ ડિસ્પોઝેબલ સ્કોડની મદદથી બોમ્બને ડિફ્યુઝ કર્યો હતો. આસિસ્ટન્ટ સિક્યુરિટી કમિશનરે જણાવ્યું કે ડરનો માહોલ ઉભો કરવા કાવતરું સર્જાવાનો કર્યો હતો પ્રયાસ. ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ નામના સભ્યોએ ઇકો ફ્રેન્ડલી રાખડીઓ બનાવી. આ ગ્રુપના સભ્યોએ સમગ્ર ઓડિશામાં 18 સ્ટોલ ઉભા કર્યા. ઇકો ફ્રેન્ડલી રાખડીઓ બનાવવા માટે 2000 મહિલાઓ કાર્યરત. ટેરાકોટા, સબાઈ ઘાસ અને અન્ય ઓર્ગેનિક મટીરીયલની મદદથી રાખડીઓ બનાવાઈ. કોચીમાં કોરોનાને કારણે ફૂલના વેપારીઓની હાલત કફોડી. ઓનમ તહેવાર નજીક હોવા છતાં ફૂલની માંગમાં ઘટાડો. વધતા કોરોનાના કેસને પગલે લોકો ફૂલની ખરીદી નથી કરી રહ્યા. ફૂલના વેપારીઓ માટે આ બેસ્ટ સિઝન છે, જોકે વેચાણ ન થતા વેપારીઓ ચિંતિત થયા. મુંબઈમાં કોરોનાના દર્દીઓની સંખ્યા ઘટતા અનલોક પ્રક્રિયા લાગુ કરવામાં આવી. હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ બાદ આશવી પાર્ક, પ્લેગ્રાઉન્ડ, ચોપાટી ખોલવામાં આવી. બીએમસીએ તમામ સાર્વજનિક સ્થળો ખોલવાનો આદેશ આપ્યો. સવારના 6 થી રાત્રના 10 વાગ્યા સુધી સાર્વજનિક સ્થળો ખુલ્લા રહેશે. લોકોએ કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. ભારતમાં કોરોનાના કેસની સંખ્યામાં ઘટાડો. એક દિવસમાં કોરોનાના 32,937 કેસ. એક દિવસમાં કોરોનાથી 417 લોકોના મૃત્યુ. એક દિવસમાં 11.81 લાખથી કોરોના ટેસ્ટ થયા. અત્યાર સુધીમાં કોરોનાના ટેસ્ટિંગની કુલ સંખ્યા 49.48 કરોડને પાર થઈ. ભારતમાં કોરોના સામે રિકવર થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા 3.14 કરોડને પાર. એક દિવસમાં કોરોના સામે 35,909 લોકો રિકવર થયા. ત્યારે દેશમાં રિકવરી રેટ 97.46% પહોંચ્યો. ત્યારે અત્યાર સુધીમાં 54.38 કરોડથી વધુ લોકોનું વેક્સિનેશન થયું. એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 3.76 લાખ. ભારતમાં કોરોનાના કેસ 3,22,00,000ને પાર. અત્યાર સુધીમાં કોરોનાથી દેશમાં 4,31,000થી વધુ દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો. અત્યાર સુધીમાં કુલ 3,14,00,000થી વધુ દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા. વિશ્વમાં કોરોનાના કુલ કેસની સંખ્યા 20,89,00,000ને પાર, જેમાંથી અત્યાર સુધીમાં 43.74 લાખથી વધુ દર્દીઓના મૃત્યુ. અત્યાર સુધીમાં 18,64,00,000થી વધુ દર્દીઓ કોરોના સામે સ્વસ્થ થયા. અફઘાનિસ્તાનની ઉથલપાથલ વચ્ચે વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર 4 દિવસ માટે ન્યૂયોર્ક સિટીના પ્રવાસે. ન્યૂયોર્કમાં આયોજિત સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના કાર્યક્રમમાં લેશે ભાગ. આ કાર્યક્રમોમાં અફઘાનિસ્તાનની સ્થિતિ અને આતંકવાદ પર ચર્ચા થવાની શક્યતાઓ. અફઘાનિસ્તાન પર આવેલા સંકટ પર દુનિયાભરના દેશોમાં ચિંતા. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પ્રમુખે અફઘાનિસ્તાનની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવા માટે બેઠક બોલાવી. લોકોને સંયમ રાખવાની અપીલ કરતા મહિલાઓ અને બાળકો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાને કબજો જમાવી લેતા લોકોમાં દહેશતનો માહોલ. ભારત સ્થિત અફઘાનિસ્તાન દૂતાવાસનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ હેક થયું. ટ્વિટર હેક થયા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ગનીના નામે એક સંદેશ આપવામાં આવ્યો. અશરફ ગની દેશમાંથી ભાગી જતા લોકોએ આકરી ટીકા ટિપ્પણી કરી. અફઘાનિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ અને રાજદૂતોએ દેશ છોડતાની સાથે તાલિબાનને કર્યું એલાન. તાલિબાની પ્રમુખે યુદ્ધ પૂરું થયાનું એલાન કર્યું. તાલિબાની સરકારી કર્મચારીઓની ચેતવણી. ભ્રષ્ટાચાર અને કામચોરીથી બચવાની અને 20 વર્ષ પહેલા જેવું કામ કરવાની ચેતવણી આપી. અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં તાલિબાનો કબજો કરતા તાલિબાની આતંકીઓ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ઘૂસ્યા, જ્યાં તેમણે તાલિબાનનો ઝંડો પણ લગાવ્યો. ત્યારે હવે અશરફ ગની બાદ મૌલાના અબ્દુલ ગની બરદારને રાષ્ટ્રપતિ બની શકે. તાલિબાન હવે અફઘાનિસ્તાને ઇસ્લામિક એમિરેટ ઓફ અફઘાનિસ્તાન નામ આપશે. અમેરિકા સેનાની વાપસી બાદ અફઘાનિસ્તાનના દૂતાવાસમાંથી અમેરિકી ઝંડો હટાવાયો. અફઘાનિસ્તાન સંકટ પર વ્હાઇટ હાઉસની બહાર લોકોનું પ્રદર્શન. રાષ્ટ્રપતિ બાઇડેન વિરુદ્ધ લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનીઓના આતંકને કારણે સ્થિતિ સતત વણસી રહી છે. હજારો લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા દેશ છોડવા આતુર. આ દ્રશ્યો કાબુલ એરપોર્ટના છે, જ્યાં પ્લેનમાં જવા માટે લોકો ભાગદોડ મચાવી રહ્યા છે. કાબુલમાં એવો ખોફનાક માહોલ છે કે લોકો ગમે તેમ કરી દેશ છોડવા આતુર છે. અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાની આતંકીઓ એરપોર્ટ બંધ કર્યું, જેના કારણે કાબુલ અને દિલ્હી વચ્ચેની તમામ ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી. ભારત તરફથી એર ઇન્ડિયાની કેટલીક ફ્લાઇટને એરલિફ્ટ માટે રાખવામાં આવી હતી. અફઘાનિસ્તાન સંકટ પર પૂર્વ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન. કયો અમેરિકાના ઇતિહાસમાં આ ઘટનાને સૌથી મોટી હાર તરીકે જોવામાં આવશે. અફઘાનિસ્તાનમાંથી અમેરિકી સૈન્ય પાછું બોલાવવામાં પરિણામે સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાના આક્ષેપો કર્યા.
तालिबानीए अफगानिस्तान पर कब्जो मेळवा अफगानना लोकोने अमेरिका में व्हाइट हाउस पर विरोध प्रदर्शन कर्यु। लोकोने कह्युं के तमने शांति जोईए छे। जो तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जो मेळवशे तो हजारों की संख्या में ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर पैदा थशे और आखिर तेओ पाकिस्तान साथे जोड़ाई जशे। तालिबानीए अफगानिस्तान पर कब्जो जमावता नागरिकों की हालत कफोड़ी बनी। तालिबानी आतंकियों की अराजकता ने भयना पगले हजारों लोगों पलायन। देश छोड़वा माटे काबुल एरपोर्ट पर लोगों धसारो। एरपोर्ट पर फायरिंग थता अफरातफरी माहौल सर्जायो। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसने अफगानिस्तान की स्थिति अंगे आप निवेदन कहूं कि अफगानिस्तान में टूंक समय में नवी सरकार आवशे। जॉनसने ब्रिटेन सहयोगियों ने इशू निश्चित करने साथ मिली काम करने अपील की जेथी अफगानिस्तान आतंकवाद प्रजनन स्थल न बने। हैती में सतत बीजा दिवसे धरातृची भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.8 नोंधाई। मिली माहिती मुजब बन्ने घटना में कुल 1297 लोगों मौत जयरे 2800 लोग घायल उपरांत सैकड़ों लोग हजी लापता। हाल इजाग्रस्तों ने सारवार हेठळ छे। पहला भूकंपना 2868 घर तो बीजा भूकंप में 5410 जेटला घर नष्ट थया। केनेडा में आगामी 20 सप्टेम्बरे योजाशे चूंटणी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडोए करी जाहेरात। 2 वर्ष पहला जस्टिन ट्रूडोनी पार्टी बहुमतीथी जीत मेळवी हती। धोरण 12 विज्ञान प्रवाह रिपीटर और पृथक विद्यार्थी परिणाम जाहिर। धोरण 12 विज्ञान प्रवाह परिणाम 15.32% जाहिर। परीक्षा में बेसेला 30347 विद्यार्थियों में 4649 विद्यार्थी पास थे। विद्यार्थियों result.gseb.org पर परिणाम जाणी शकाशे। सूरत में देश प्रथम डायमंड ऑक्शन हाउस उद्घाटन थता फायदो थशे। रफ लेब्रोन सहित तमाम डायमंड थशे ऑक्शन। हवे व्यापारी ने दुबई और होंगकोंग नहीं जवू पड़े साथ ड्यूटी में छुटकारो मळशे। सूरत में वृक्ष में उत्पादित थता यार्न वपराश। ऑस्ट्रेलिया में दरिया किनारे वृक्षों उगाड़ी बनावामां आवे छे। रेशम वृक्ष पल्प में रेशम काढ़ी लक्स यार्न नामनू यार्न बनावायु। मुलायम और एंटी बेक्टेरियल मटीरियल की मांग वधी। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश हस्ते अमदावाद की साबरमती मध्यस्थ जेल में ई फ्लाइंग सीस्टम लोकार्पण। ई फ्लाइंग सेवा थकी जेल में बंद कैदी पोताना केसों ने लगती तमाम हकीकतों और सुनावणी जीवंत प्रसारण जोई शकशे। दूधसागर डेरी में कांग्रेस अग्रणी ने डिरेक्टर बनावामां आव्या होवानी वात खोटी छे। जिला भाजपा प्रमुखे आप्युं निवेदन कहूं कि तपास करता जाणवा मळ्युं छे कि कांग्रेस कोई व्यक्ति ने डिरेक्टर नहीं बनावाया। साबरकांठा हिम्मतनगर में कोरोना की संभावित त्रीजी लहर ने पहुंची वळवानी तैयारी। तबीबों और बाल रोग निष्णातों ने तालीम अपाई। आरोग्य विभाग और तालीम टीम संयुक्त उपक्रम में तालीम योजाई। नर्मदा केवड़िया खाते रेडियो यूनिट 19 FM की शुरुआत। आदिवासी युवक युवती रेडियो चौकी बनिया। हवे रेडियो पर प्रवासी मधुर संगीत सांभळी शकशे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सहित आसपास आकर्षणों विषे अपाशे माहिती। वरसादनी घटती जूनागढ़ना झांझरडा गामना खेडूतो चिंता में। वरसाद खेंचाशे तो पाक निष्फळ जवानी भीति। सरकार डेममांथी सिंचाई माटेनुं पाणी आपे तेवी खेडूतोनी मांग। पाणी नहीं मळे तो पाक सुकाई जशे। राजकोट में 90% होटल रेस्टोरेंट और रिसोर्ट पास नहीं फायर एनओसी। आरएमसी की वेरा विभागे 329 होटल रेस्टोरेंट और रिसोर्ट सहित लिस्ट तैयार कर। मिलकत वेरा में माफी लाभ लेवा जता भांडो फूट्यो। गाय ने राष्ट्रमाता जाहिर करने मांग। गीर सोमनाथ ना बालका तीर्थ थी गांधीनगर सुधी रेली आयोजन करायु। धर्मरक्षा एकता समिति नेजा हेठ कार्यक्रम 30 ऑगस्टे रेली पहुंचे गांधीनगर। भावनगर पालीताणा में शेत्रुंजी पर्वत पर लीलीछम हरियाली आह्लादक दृश्य आया सामने। शेत्रुंजी गिरी पर्वत ने जैन धर्म आस्था महातीर्थ गणाय। गिरी पर्वत पर आदेश्वर दादा देरासरो आवेला छे। पोरबंदरना 3 टर्म सांसद रही चुकेला गोरधन चाबियानु निधन। केशोद में रहता गोरधन चाबियाए 15 ऑगस्टे लीधा अंतिम श्वास। गोरधन चाबिया की अंतिम यात्रा में मोटी संख्या में लोग जोड़ाया। नर्मदा जंगल सफारी में सफेद वाघण लवाई। सफेद वाघ साथ हवे शक्ति नामनी वाघण ने लवाई। शक्ति नामनी वाघण प्रवासियों में आकर्षण केन्द्र बनी। जंगल सफारी आकर्षण में वधारो थयो। सूरतना किमचा रस्ता पासनो वीडियो वायरल थयो। रिक्षा में घेटा बकरानी चेप मुसाफरों ने भरवामां आव्या। मुसाफरो रिक्षा में बहार लटकेली हालत में जोवा मळ्या। खींचोखींच मुसाफरो भरता रिक्षा चालकों सामे पोलीस जो।
गीर सोमनाथ में आज श्रावण मासनो बीजो सोमवार की उजवणी करवामां आवी। बीजा सोमवार ने पगले सोमनाथ में वहेली सवार थी भावी भक्तों की लांबी कतार। हर हर महादेव नाद थी गूंजी उठ्यु प्रभास क्षेत्र। श्रावण महीना बीजा सोमवार शिवालयों हर हर महादेव नाद थी गूंजिया। श्यामल चार रस्ता नजीक आवेला बिलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमटी। बिलीपत्र और जल दूध अभिषेक साथ भक्तों करी पूजा अर्चना। वडोदरा में श्रावण ना बीजा सोमवार शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। पौराणिक भीमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों दर्शन माटे उमटिया। भगवान शिव ने रीझवा भक्तों जल दूध बिलीपत्र और काला तल अभिषेक करो। श्रावण मासना बीजा सोमवार हिम्मतनगर शिवालयों में भक्तों दर्शनार्थे उमटी पड़िया। भालेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों पूजा करी धन्यता अनुभवी। मंदिर में हर हर भोलेनाथ नाद थी गूंजी उठ्यू। पंचमहाल गुसर गामना पौराणिक गुप्तेश्वर मंदिर में भक्तों कर्या दर्शन। भक्तों दर्शन करने धन्यता अनुभवी। श्रावण मासना बीजा सोमवार भक्तों उमटी पड़िया। जूनागढ़ शिवालयों में श्रावण मासना बीजा सोमवार भक्तों दर्शन करवा उमटिया। भक्तों शिव की पूजा अर्चना करी धन्यता अनुभवी। हर हर महादेव नाद थी मंदिर गूंजी उठ्यो। वरसाद घटती अमरेली ग्राम्य विस्तार में खेडूतो चिंता में। वरुणदेव ने रीझवा अर्जन सुख गामे मंदिर में ग्रामजनों हवन करो। वरसाद आए ते कराई प्रार्थना। वरसाद नहीं वरसे तो खेडूतों ने मोटा पाये थशे नुकसान। दिल्ली में आज श्रावण महीना सोमवार त्यारे गौरी शंकर मंदिर मोटी संख्या में लोग दर्शन करवा उमटिया। श्रावण महीना सोमवार ने पवित्र गणवामां आवे छे जेने पगले मोटी संख्या में भाविक भक्तों दर्शन करवा उमटी पड़िया। सूरत में वसता पारसी समुदाय पारसी नूतन वर्ष की उजवणी करी। पारसी लोग एकबीजा ने मिली शुभकामनाओं पाठवी। गाइडलाइन पालन साथ पारसी समाज करी उजवणी। नवसारी में वसता पारसी समुदाय नवा वर्ष की उजवणी करी। कोरोना काल में पारसी समुदाय घर में करी पूजा अर्चना। पारसीओ शहर की 200 वर्ष थी जूनी पारसी अग्यारी उमटिया। वलसाड जिला में पारसी समुदाय नवा वर्ष की उजवणी करी। पारसीओ तीर्थधाम उदवाड़ा खाते उमटिया। अग्यारी खाते आतशनी करी पूजा अर्चना। एक वर्ष एक बीजा ने नवा वर्ष की शुभकामनाओं पाठी। कच्छना अबड़ासा में कारे पलटी मरता सर्जायो अकस्मात। कार चालके स्टीयरिंग पर काबू गुमावता बनी घटना। अकस्मात की घटना में सदनसीबे चाना निकली। पाटण की कमालपुर सब ब्रांच केनल में ट्रेक्टर खापक्यू। ड्राइवरे स्टीयरिंग पर काबू गुमावता बनी आ घटना। स्थानिकों की मदद की ट्रेक्टर ने काढ़ू बहार। ड्राइवर ने थो आबाद बचा। मोरबी नजीक टेवड़ी पास डंपर नदी में खापक्यू। ड्राइवर स्टीयरिंग पर काबू गुमावता बनी आ घटना। अकस्मात की घटना में सदनसीबे चाना निकली। ट्राफिक जाम थता पुलिस ने बोलावा फरज पड़ी। चालाकी थी मोबाइल फेरवी लेता टाबरियाओ थी सावधान। मेहसणा में टाबरियाओ ने चोरी की करामत सीसीटीवी में कैद थी। खरीदी कर रहे ग्राहक किस्सा में फेरवी ले मोबाइल। तापी एलसीबी अंबा गाम नजीक की चोरी ना आरोपी ने पकड़ियो। आरोपी पास थी 27,000 मुद्दा माल कब्जे करियो। आरोपी आरोग्य केन्द्र में करी थी चोरी। सूरत ना कापोद्रा ना ऋषोत्तम बाग विस्तार में तस्करों तरखाट। कार ना कांच तोड़ी म्यूजिक सीस्टम ने करी चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस गुनो नोधी तपास हाथ धरी। अरवली मुड़ासा में तस्करों तरखाट। डूंगरवाड़ा रोड पर झलक सोसायटी में तस्करों त्राटक्या। बंद मकाने टार्गेट बनाई ताड़ा तोड़िया। चोरों हाथे कशु न लगता राहत श्वास लीधो। वडोदरा पादरा में दस्तावेज पर नोटरी बोगस सहित सिक्का करना शख्स झड़पाय। तुषार पारेख नामना शख्स ग्राहकों पास से पैसा वसूली दस्तावेज पर मारतो तो बोगस सिक्का। पुलिस कम्प्यूटर सहित मुद्दामाल करो कब्जे। मोरबीना नवलखी रोड पर दारू भरेली कार झड़पाई। लूंटावदर गाम पास बिनवारसी हालत में 420 दारू पकड़ायो। पुलिस गुनो नोधी तपास हाथ धरी। वलसाड फूलधरा गामे जीईबी कर्मचारी पर जीवलेण हमलो करना चार आरोपी की धरपकड़। वीज चोरी की आशंकाए तपास करवा गई टीम पर चार शख्सों कर्यो हमलो। हमलो थता जीईबी कर्मचारी नोधावी थी फरियाद। अमदावाद मणिनगर की गणपत चाली में सगा भाई ज भाई की हत्या करी। गैस रिफिल छाती और माथा ने भागे मारी करी हत्या। बन्ने भाईओ वच्चे थई हती बबाल। पुलिस से आरोपी भाई की करी धरपकड़।
અમરેલીમાં નિવૃત્ત પીઆઈએ છરીના ઘા છીંકી પુત્રવધુની કરી હત્યા. મૃતકના પતિ અને સાસુ પણ હત્યામાં સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું. હત્યાના બનાવને આત્મહત્યામાં ખપાવી દેવાનો પ્રયાસ. સીસીટીવી અને પોલીસ તપાસમાં હત્યાનો થયો ખુલાસો. જૂનાગઢના ગિરનાર પર્વતના પગથિયા પર ગળે 500 ખાને યુવકે આપઘાત કર્યો. વૃક્ષ પર લટકી હાલતમાં મૃતદેહ મળતા ચકચાર. પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. દેશના સૌથી પ્રખ્યાત સિંગિંગ રિયાલિટી શો ઇન્ડિયન આઇડલની 12મી સિઝન પૂરી થઈ. આ સિઝનમાં ઇન્ડિયન આઇડલની ટ્રોફી પવનદીપ રાજને જીતી છે. આ સાથે પવનદીપને એક લક્ઝરી કાર અને 25 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે.